ये देखिए भदान करने में कितनी ज्यादा मिट्टी लगती है। दूध मांगोगे खीर देंगे, पेड़ मांगोगे चीर देंगे। अरे कुछ नहीं चाहिए यार, मिलके जाएंगे। पूरा 25 तोला पहन के हैं जी, जो गले में सही है। काटने आओगे ना अगर पेड़, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा दोनों हाथ खोल के। ये बहुत बड़ा ऑप्टिकल बन रहा है। हाँ, इसकी वजह से अपना काम तक पूरी तरह से नहीं कर पा रहा। ओए होए 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 होए। गाइस बाहर कोहरा चेक कीजिए आप, क्या खतरनाक कोहरा लगा हुआ है बाहर। सूरज भी थोड़ा सा दिख रहा है, पर कल ऊपर आते वक्त जल्दीबाजी में पानी के चप्पल पहन लिए थे मैंने, चला ही नहीं जा रहा इनमें, टूटेंगे वीडियो कहीं। बाय बाय। बाहर कोहरा देखा बड़ी माँ आपने? पूरा कोहरा लगा हुआ है भैया, कोहरा देखा बाहर? कोहरा मैं तो वॉक करके आ गया, 5 किलोमीटर करके आ गया, कोहरे को चीरते हुए। ठीक है। तो जल्दी में हूँ जा रहा हूँ, ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, जा रहा हूँ अभी। बिल्कुल नहीं, बात सुनो, फ्रेश नहीं हुआ, खा ही नहीं जाएगा। गाड़ी आ गई है भरान के लिए, ट्रैक्टर आ चुका है, जीजू आ गए वहाँ पे, तो अभी जल्दी बाजी में जाना है। गुड मॉर्निंग कुछ नहीं हो रखी है ना, फ्रेश हुए तो सीधा निकलते हैं फिलहाल। गाइस यहाँ देखो भैया की मेहनत, सुबह सुबह पूरी बाइक चमका रखी है भैया ने, प्लांट भी लगा दिए। अच्छा, और भैया ने देखो हमारे लिए यहाँ प्लांट भी लगा दिया। ये गुड गमले तुम्हें दिए जाएंगे सारे। क्या बात है भैया, थैंक यू। ये गुड़हल का पेड़ है ना? हाँ, गुड़हल। मैं चश्मा कहाँ रखा यार अपना, ब्लेड एक हो जाता है यार मेरी चीज, सबसे मेन चीज। लाइट बंद कर। आप भी आ रहे हो भैया? आओ फिर आओ। इसकी बात कर रहा था मैं, क्योंकि गाइस कल मेरे आंख में पता नहीं क्या घुस गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने, पूरा ऐसा लग रहा था लाल लाल क्या हो गया आंखों में, पूरी ये वाली आंख खराब हो गई थी। आपने कल के व्लॉग में शायद नोटिस किया होगा, तो देखा होगा आंख थोड़ी सी सूज सी गई थी हल्की। आज मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, तो आज से ये पहनना चालू रहेगा। जी प्रणाम। जी। तो गाइस आते ही यहाँ भरान भी शुरू हो गया है, ट्रैक्टर लगा दिया जीजू ने। ठीक है जीजू, शाम को चिकन फिकन करना। अरे शाला मेरा है, दो शाले हैं। धन्यवाद जीजू, प्रणाम। ठीक है। हाँ जीजू, जीजू लगा कर चले गए ट्रैक्टर। हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज भरान का काम स्टार्ट हो गया है, तो हमको आना पड़ा यहाँ पे जल्दीबाजी में, और भैया और मैं जल्दीबाजी में दौड़ भागते हुए विदाउट ब्रेकफास्ट रोड से शुरू कर रखा है रास्ते से, तो आगे से लेके हो रहा है भरान पूरा कर दिया, आगे तो पूरा प्लेन कर दिया है, और अभी ये सारा चल रहा है तो पूरा लेवल हो जाएगा आज। क्यों भैया, बहुत टाइम के बाद हुआ, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ऐसी बोल बोल के आज फाइनली हो ही रहा है काम। तो पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा हो रखा था, गड्ढे गड्ढे हो रखे थे इसमें बीच से, और अब पूरा प्लेन हो गया है, इट लुक्स परफेक्ट। अब आ रहा है चलने में मजा। ये देखिए भरान करने में कितनी ज्यादा मिट्टी लगती है, वैसे काफी ऊंचा है वाला खेत, मिट्टी की तो कमी है नहीं इसमें, मिट्टी निकालने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इसे। तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, जल्दीबाजी में दौड़ा भागी करते हुए आना पड़ा, और भैया आ रखे हैं मिलने समोसे लेके। विद समोसे चटनी विद समोसे, और समोसे भी कितने प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे। एक तो लो। अब मिला पेट को थोड़ा आराम, भाभी सही कह रही थी नाश्ता करके जा, किस्मत ऐसी सुबह सुबह बड़ा चश्मा वश्मा पहन के निकल रहा था मैं, आंखों में धूल जाएगी करके फैशन के लिए नहीं, और चश्मा ही मिट्टी में मिल गया मेरा। भैया एक बैड न्यूज और यार, चश्मा ही गिर गया यार कहीं मिट्टी में। क्या किस्मत हो रही है यार ये। चश्मा यार लोकल चश्मा था, काम चलाओ तो था, लोकल भी था, अब गिर गया इसमें कहीं, खो गया पता नहीं कहाँ दब गया, वो फावड़ा मारते वक्त। और गाइस थोड़ी प्रॉब्लम इन पेड़ों की वजह से आ रही है, अगर पेड़ नहीं होते तो और जल्दी हो जाता काम। पेड़ जो है इनके लिए ट्रैक्टर के लिए बहुत बड़ा ऑप्टिकल बन रहा है। हाँ, इसकी वजह से अपना काम ट्रैक्टर पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। 2 घंटे लगने थे, वहाँ 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि क्या है काफ़ी स्लो हो जा रहा है इसकी वजह। हाँ, पेड़ भी नहीं कटा सकते, आपको पता ही है, इन्हें कटा नहीं सकते पेड़ों को, बहुत अच्छे पेड़ हैं सामने से, तो इसलिए इनको नहीं काटना, इनको ऐसे ही रहने देना है। भैया को लगने तो 4 घंटे, कोई बात नहीं। तो ये पीछे भैया आ रखे हैं अभी, कह रहे पेड़ के सिलसिले में बात करने के लिए, पेड़ कटवा लो कह रहे हैं हाले भैया, आम के कह रहे आंगन में है इतने बड़े पेड़, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, मैंने कहा जैसे हैं ऐसे रहेंगे, इनको कोई नहीं छू सकता।
गोट वोट नहीं यार, गाय भैंस वाले थोड़ना है हम, तो और कोई सेवा? अरे कुछ नहीं यार, मैं देखने आ जाता हूँ तेरे बुड्ढे से, तो बड़ा बुड्ढा तो तेरा बहुत मानते हैं हमें। कौन तुम्हारा? आपका बुड्ढा? कौन बुड्ढा? पापा। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार, थोड़ा हमारे बुक्से में कहते हैं ना बुड्ढा। पापा जो है ना बड़े अच्छे आदमी यार, हमसे तो बड़ा अच्छे बात, जैसे धान गेहूं लेने आते थे ना, वो बंदा कहते थे कि यार इसको तोल दे 10 क्विंटल, ये मानेगा नहीं। अब सही लिहाज में बोला आपने। लीची जो इतनी आती है ना बहुत, अब जहाँ के रास्ता में मिट्टी डाल दी तुमने, बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा। हाँ वही, कभी बनेगी ना मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। और कोई सेवा आपकी यार, पेड़ के अलावा, पेड़ों के अलावा कुछ और बोलो, कुछ और सेवा? कुछ नहीं यार, काटने आओगे ना अगर पेड़, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा दोनों हाथ खोल के। ना ना ना, पेड़ नहीं है, दोनों हाथ ऐसे चिपको आंदोलन कर दूंगा मैं स्टार्ट। जब तुम नहीं थे ना, हाँ हाँ, तो भी पेड़ों में हाथ जो टहनी टहनी भी नहीं काटी हमने। कैसे कैसे? वो तो आपको पता है, आम इतने इतने लगे इसमें। ये पेड़ जो तुमने लॉपिंग करवाई ना, सही करवा दी है। इसमें तो बड़े बड़े आम आते थे यार, बेहद आम आते थे, बंगाली नहीं छोड़ रहे, पहाड़ी चिल्लाते रहते थे तुम्हारे बेचारे पड़ोस के। बेचारे पड़ोसी बहुत शरीफ है यार हमारे। असली पड़ोसी हमने तो हाय, आप ही तो हो फिर ये। हेलो सचिन टागले जी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या बात है, उत्तराखंड का नंबर वन टिकटॉकर बनाया। अरे उनको मानते नहीं थे, उनको मानते नहीं थे। और कोई सेवा चाहिए तो बताओ। अरे कुछ नहीं चाहिए यार, दूध मांगोगे खीर देंगे, पेड़ मांगोगे चीर देंगे। चलो मिल के रहेंगे। बिल्कुल 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 भैया बिल्कुल। अब तुम तो जो है भैया नए नए आया, तुम तो बच्चे हैं यार हमारे सामने, ऐसा तो कोई बात नहीं है। जब हम इतने बड़े थे ना, तो बुड्ढा आते थे, फिर बुड्ढा, फिर बुड्ढा, पापा पापा, कॉल हिम डैडी। हाँ ठीक है। काफी कर दिया भरान, लेकिन अभी बहुत ज्यादा होना है, शाम तक ही हो पाएगा पूरा काम कंप्लीट, टाइम हो रहा है अभी डेढ़, और भैया भी रुक गए हैं, लंच यहीं लेकर आए अपना, और मैं भी चलता हूँ लंच करके आता हूँ। शाम तक ही होगा ये काम पूरा, और शाम तक हो जाता तो मैं भी हल्द्वानी निकल जाऊंगा आज, और ज्यादा कपड़े भी लेकर नहीं आया था मैं। A few moments later. और आंटी चाय भी लेकर आ गई, बताओ। थैंक यू। तो मैं भी लंच करके आ गया हूँ, और आंटी ने दे दिए चाय, और अभी जीजू आ रखे इंस्पेक्शन के लिए, पूरा 25 तोला पहन के हैं जीजू गले में, सही है लुक तो आपने दे रखा है तगड़ा वाला। लुक तो आपने दे रखा है तगड़ा। अरे किसी कॉल में कह रहे, किसी कर को है वीडियो कॉल में कोई? अच्छा अभी चल रहा है टी टाइम। कमर टूट गई, अपना काम सिर्फ इतना है, जो भैया यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं, डैम बना दे रहे हैं, तो उनको बस ओने कोनों में कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आज कोई लेबर आई नहीं है, तो इसलिए मुझे करनी पड़ रही है खुद से लेबरी, तो लेबरी का अपना ही काम है। आज ऐसी करते करते शाम ही होने वाली है, और रात तक ये पूरा भरान हो पाएगा, तो ऑलमोस्ट इतना हो गया अभी भरान, और सामने सनसेट देखिए। मैं भी आ गया हूँ घर में, क्योंकि भैया का स्पेशली फ़ोन आया मेरे को, जल्दी से आ भैया, और मैंने दिन से प्लान तो किया था, लेकिन जल्दी का प्लान था हमारा, लेकिन आज काम देखते 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 लेट बहुत हो गई, रात बहुत हो गई है, हल्द्वानी तो जाना हो नहीं पाया आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। आज बना रहे हैं भैया स्पेशल हांडी में मटन, भैया हांडी भी खरीद के ले आए हैं, चूल्हा और हांडी, तो सोचो आज क्या चार चांद लगने वाले हैं हमारे मटन में। हांडी तो बाहर हमारी गर्म हो रही है भैया, अरे घड़ा सही है क्या? ठीक है ओके ओके। तो सारा सेटअप लेके आप बाहर जा रहे हैं हम लोग चूल्हे में, अरे नमक लेके आना, ज्यादा रात होने की वजह से फ्लैश लाइट का यूज करना पड़ रहा है मेरे को, तो जल्दी तो हो नहीं पाया प्रोग्राम काम की वजह से, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज करना। इसमें डाल दिया ऑयल, तो गाइस इसमें डायरेक्ट देखो ये डाल दिया अपना मटन, सिंपल प्रोसेस है, इससे शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता, क्यों भैया? और टेस्ट भी शॉर्ट, और सबसे अच्छा, और सबसे अच्छा टेस्टी। साबुत लहसुन डाल रहे हैं भैया इसमें, डाल देना विदाउट चिली, लास्ट में जो धनिया बचता है हमारा, धनिया के मोटे डंठल होते हैं ऊपर से डाल देना है, स्प्रिंकल। वाओ अमेजिंग यार। इसके बाद इसमें ढक्कन लगा देना है, ये लगा दिया ढक्कन, एक घंटे के बाद इसको हम दोबारा चेक करेंगे खोल के। बड़े भाई आपसे मिलते हैं एक घंटे बाद, ठीक है? ओके। चलो जीजू बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है जीजू, ओके। और ये भैया कब से वेट कर रहे हैं यार? तो भैया देखते हैं अभी फिर कैसा बना है, उसके बाद ही पता चलेगा। ओके, तो गाइज ये अपना रेडी हो गया है मटन। ओए होए 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 होए, क्या खुशबू है भैया, गजब खुशबू आ रही है यार खाने के बाद पता चलेगा। हाँ, इसको देखो खुशबू सुन के, इसको सीधा अंदर। हम गेस्ट आ रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए मामा जी और बड़ी माँ, बहुत चेहरे मुस्कान, क्या चक्कर है? भाई आज बगल में बैठे हैं, भाई साहब हैं, ये सही है। और गाइस मैं भी जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ, बहुत ही गंदा हो रहा हूँ, बहुत ही अनटाइडी। तो गाइस मामा तो अकेले आ रखे हैं अभी यहाँ पे, तो अब मैं जा रहा हूँ मामी को लेने के लिए भी, तभी जोड़ा कंप्लीट होगा। हाँ मामी को लेके आओ पक्का यार, मामा अकेले आए मना कर रहे हैं, लेकिन लेके आओ पक्का। ठीक है ठीक है, मैं ले आता हूँ। चलो मामी बुला रहे हैं आपको। बाबू यहाँ खाना बनाना है उनके लिए। अरे गुस्सा हो जाएंगे भैया, बोल रहे मेरे साथ बाइक में, तो आओ चलो। तो क्या बन रहा है? खीर बन रही है क्या? घी बन रहा है, घी मामी का। देखो मामी मार रही है मेरे को गाइस, मारे मामी। इन लोगों को टफी लग रहा है आना वहाँ पे। और मेरे को देखो यहाँ पे क्या मिला है किचन में, डॉली के हिस्से के रसगुल्ले मैं खा रहा हूँ। मामी तो नहीं आ रही क्योंकि मामी के हल्का सा पैर प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रही है, तो मेरे साथ आ रही है डॉली। चलो लेट्स गो, चल यार घी बाद में निकालना। मम्मी नहीं आई ना, पैर में दर्द हो रही करके नहीं आई। तो आज की चीफ गेस्ट हमारी डॉली। मामी आ नहीं पाई पैर की प्रॉब्लम की वजह से, उसकी जगह मामी ने अपनी टू कॉपी भेजी है, दूसरी मामी जैसी मतलब डॉली। अरे अपना ही घर है, क्या है चीफ गेस्ट, अपना ही घर है। ये आ गया अपना हांडी मटन विथ राइस, तो अभी खाएंगे थोड़ी देर में, आपको दिखाएंगे। अभी लगा दिया है खाना, डिनर लगा दिया है, ग्रेट पार्टी हो रही है। ये भी बोलो यार, ग्रेट मटन है, वाइन है, शार्क। ये देख लो हांडी मटन, देखकर ही आपको पता चल रहा हूँ कि टेस्ट में कैसा है। तो वॉक करते करते हम डॉली को यहाँ छोड़ने के लिए आए थे आज, हमने कहा वॉक करते करते ही जाना, तू बहुत मोटी हो, थोड़ी फिट होगी। और ये रास्ते से हमको गुड नाइट बाय कर दे रही है, हम तो अंदर आने की बात कर रहे हैं। ठीक है अंदर आ जाओ, मैं मना नहीं किया, जाओ अंदर ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपने रास्ते से तुमने बोल, अब तूने बोल दिया, अब नहीं आ सकते हम। चलो ठीक है, चल गुड नाइट डॉली, ओके गुड नाइट, चलो बाय। सो गाइस मैं भी सोने के लिए ऊपर आ गया हूँ, और भाभी लोग भी सब सो गए नीचे। फिलहाल मैं अभी करता हूँ ब्लॉग को यहीं पर ही एंड, बहुत थक गया हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, पीस।